नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 37 है। दोस्तों, आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए बनती है, तो रकम है यानी वो रकम क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, मैथ के क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने से पहले मैथ के क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। यहां कह रहा है एक रकम, एक रकम का मतलब क्या होता है, कुछ रुपए, ठीक है। साधारण ब्याज में क्या हो रहा है दोस्तों, 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है यानी कि 2240 रुपए हो जाता है, और 5 वर्षों में क्या हो रहा है दोस्तों, 2600 यानी कि 2600 रुपए बनती है। तो रकम है वो, यानी कि वो जो रुपए है वो क्या है दोस्तों, या ये पूछ रहा है कितना रुपए था, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल सा सॉल्व होता है, सिंपल तरीका है। देखिएगा, देखिए यहां पे मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। 2 वर्ष में दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, 2240 रुपए हो रहा है, ठीक है, 2240। और 5 वर्ष में दोस्तों ये रुपए कितना हो जा रहा है दोस्तों, 2600 यानी कि 2600 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं। 2 वर्ष में इतना हुआ, 5 वर्ष में इतना हुआ, तो 3 वर्ष में दोस्तों बढ़ा कितना है, ब्याज कितना बढ़ा है, देखिएगा 2 से 5 यानी कितने वर्ष की वृद्धि हुई, 3 वर्ष। और रुपए कित क्या हुआ दोस्तों, 2240 से 2000 क्या हुआ, 600 हुआ। रुपए में वृद्धि कितने की हुई दोस्तों, 360 रुपए की वृद्धि हुई, यानी 3 वर्ष का दोस्तों जो ब्याज है वो 360 रुपए है। तो 1 वर्ष का दोस्तों ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्तों, आप क्या करेंगे, 360 को 3 से भाग करेंगे, 360 को 3 से भाग करेंगे तो 36 होता है यानी कि 120 रुपए होगा। क्या होगा दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपए होगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो रकम है यानी वो रुपए कितना है जिस पे ये ब्याज बढ़ रहा है, तो देखिएगा वो रुपए कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे पहला लाइन पढ़िएगा, एक रकम कह रहे ना यानी कुछ रुपए, साधारण ब्याज में 2 वर्षों में क्या हो रही है, 2240 रुपए हो रही है। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 वर्षों का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो रकम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपए है, तो 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों क्या होगा, यानी 2 गुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल उतना ही ब्याज लगता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर ब्याज पे ब्याज लगता है, लेकिन सिंपल में क्या होता है, हर साल उतना ही ब्याज बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, 1 वर्ष में 120 तो 2 वर्ष में क्या होगा दोस्तों, 240 रुपए बढ़ेगा, ठीक है। 2 वर्ष क्या होगा, 240। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 वर्षों में ये 2240 रुपए हो रहा है ना, तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, ये 240 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, रकम आ जाएगा। तो 2240 यानी कि 2240 में से 240 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2000 रुपए होगा। क्या होगा दोस्तों, 2000 रुपए, तो रकम क्या है दोस्तों, 2000 रुपए हो जाएगा। अब देखिए 2000 रुपए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये पिछले रेलवे एग्जाम में यानी पिछले साल आपके जितने भी रेलवे एग्जाम हुए लगभग दोस्तों ये 8 से 10 बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप याद रखिए, तरीका भी आप सीख गए होंगे किस टाइप का, अलग भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन कब रहेगा, लास्ट में रहेगा, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और इस प्रकार के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, सेकेंडों में सॉल्व होता है। बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक से सॉल्व करेंगे 2 से 4 सेकंड लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40
लीटर है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है जल और दूध का एक मिश्रण है, कितने लीटर मिश्रण है दोस्तों, 40 लीटर है, और कह रहा है इसमें 10% क्या है दोस्तों, जल यानी कि पानी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे देखिएगा, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि, देखिएगा पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या हो जाए दोस्तों, 20% हो जाए। जल कितना परसेंट हो जाए, 20% हो जाए। पहले कितना है 10, अब करना क्या है दोस्तों, हमें 20 करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसके लिए सिंपल तरीका देखिएगा, टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों, 40 है ना, 40, अब गुने करना है, ठीक है। गुने क्या करेंगे, ये 10% से जल, देखिएगा पानी मिलाने की बात कर रहे हैं तो सब जगह पानी ही रहना चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं रहना चाहिए। 10% जल है, जल कितना करना है, 20% करना है, तो वृद्धि कितने परसेंट की करनी है, 10 से 20 होगा यानी 10, तो 40 गुने यानी टोटल मिश्रण, देखिएगा टोटल जो मिश्रण है जल और दूध का, ठीक है, वो कितना है 40, तो उसे 40 लिखेंगे, फिर गुने लिखेंगे कितने की वृद्धि वो करना है, 10 से 20 करना है, तो 10%, तो गुने 10 लिख देंगे, और बटा में क्या लिखते हैं दोस्तों, नीचे 100 माइनस नया मिश्रण, देखिएगा 100 माइनस जो नया मात्रा है जल का, हमें जो करना है उसको करना है, यानी कि 100 माइनस क्या करेंगे 20, देखिएगा मिश्रण में जल का परसेंट 20 हो जाना, ये जो 20% कर रहा है इसको 100 से घटा के नीचे लिख दिया जाता है, तो 100 से 20 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 100 से 20% घटाएंगे तो क्या होगा, 80, 80 को क्या करेंगे दोस्तों, यहां नीचे रख देंगे। देखिएगा ये ट्रिक है, आसान तरीका है, सिंपल तरीका है, तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, एक बार टोटल मिश्रण गुणे परसेंटेज में जो वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो उसको लिख देंगे, और फिर जो नीचे वाला जो मिश्रण यहाँ पे कर रहा है ना, मिश्रण में जल 20% हो जाए, उसको 100 से घटा के लिख देना है बटा में, ठीक है, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब बस, अब देखिए, अब इसको कटा लेंगे तो मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा आ जाएगा, ठीक है, कितना लीटर मिलाएंगे, देखिए ये जीरो से क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से 40 कितने बार में जाएगा, 8 × 5 = 40 होता है, क्या होता है दोस्तों, 8 × 5 = 40, तो बराबर में क्या आएगा दोस्तों, 5 लीटर, 5 लीटर दोस्तों इसमें और जल मिला दिया जाएगा या पानी मिला दिया जाएगा, कहने का मतलब है 5 लीटर और इसमें पानी मिला दिया जाएगा, तो जल का जो मिश्रण होगा यानी कि पानी का मिश्रण होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, मिश्रण में कितना होगा, 20% हो जाएगा, 20% होगा, कितना मिलाने पे, 5 लीटर, आंसर क्या होगा, 5 लीटर। अब 5 लीटर किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जो मिश्रण दिया है ना यहाँ पे, टोटल कितना लीटर है, आयतन टोटल कितना है 40, तो आप देखिए सिंपल तरीका मैं समझा रहा हूं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 40 गुने, अब क्या करेंगे 10 से क्या होगा दोस्तों, 20 करना है, तो कितने की वृद्धि करना है 10 का, तो 10 कर दीजिए। अब 100 से क्या करेंगे दोस्तों, ये नीचे वाला जो है ना इसको घटा लेंगे, 100 से 20 घटाएंगे तो क्या होगा 80, बटा में 80 लिख देंगे, बस इसको कटा लीजिए, 8 × 5 = 40, तो मिलाई जाने वाली मात्रा आ जाएगा दोस्तों, पानी कितना लीटर मिलाया जाए, 5 लीटर, 5 आया, यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सॉल्व कैसे करने, इसका आंसर तुरंत दिखता है, और मैं पिछले कुछ दिन पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कराया था, तो उसमें भी आपको बताया था कि इसका सिंपल तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, और फिर से बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन तीसरा है, पढ़िएगा, क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है यानी भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेष 21 बचता है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा, यानी शेष क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 133 से जब भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचता है 21, फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को, जो वो संख्या है जिससे भाग दिया गया 133, ठीक है, 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है तो आपको बस सिंपल सा क्या देखना है, ये जो 133 है ना, क्या ये 19 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, यानी कि 133 में दोस्तों 19 से पूरा भाग जाएगा कि नहीं, तो हाँ 19 सत्य क्या होता है 133, यानी पूरा इसमें भाग जा रहा है, तो प्रश्न बहुत सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, करना क्या है दोस्तों, जो लास्ट वाला दो वर्ड लिखा है 21 बचता है और 19 से विभाजित है, ये जो कह रहा है ना यहां पे,
अब सिंपल सा देखिएगा, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, जब ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए 133 19 से, तो आप क्या करेंगे, ये जो 21 है ना, 21 में बस 19 से भाग कर देना है, ठीक है। 21 में क्या करना है, 19 से भाग, 19 से भाग करिए तो 19 से कम क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। अब शेष में क्या बचेगा, 21 में से 19 घटाएंगे 2, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 2, यानी इसका आंसर क्या होगा, 2। 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए सिंपल तरीका, समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी सोचने समझना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये जो लास्ट वाला जो संख्या है दोस्तों, समझिएगा, शेष 21 बचता है, ये जो कह रहा है, अब फिर कह रहा है कि यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, यहां पे जो शेष बचता है ना, इसी शेष को क्या करेंगे दोस्तों, 19 से भाग कर देंगे, 19 से दोस्तों क्या करेंगे, 21 में भाग करेंगे, तो कितना शेष बचेगा, 19 से कम है 19, यानी कि बचेगा क्या, 2। कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, बस ये आंसर हो जाएगा, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर भी किया करिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, और जो नए दोस्त हैं वो हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। डेली दोस्तों मैं 8 PM पे वीडियो देता हूं शाम 8 बजे, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम देंगे तो देखेंगे कि ये सब क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं कराता हूं, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमसे जरूर जुड़िए, जुड़े रहिए और डेली पढ़ा करिए, ठीक है। डेली पढ़िए, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम भी होती है तो उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर देंगे, तो भी क्या होगा, चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। देखिए पहले क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन की भाषा को समझना है, क्वेश्चन की भाषा आप समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रश्न कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते, जब क्लियर हो जाएगा तो कैसा हो भी प्रश्न रहेगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सत्य बात है, यानी सही बात है। देखिए अब करना क्या, क्वेश्चन समझना कैसा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कौन होती है दोस्तों, जो दो अंकों से मिलकर बना हो, जैसे चारों ऑप्शन में 38 है ना, 73 है ना, 48 है ना, 84 है ना, कितने अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है, ठीक है, यानी कि दो अंकों से मिलकर बना है, तो उसे दो अंकों की संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए समझाते हुए चल रहा हूं, जो कमजोर स्टूडेंट होंगे वो भी समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन है किसी दो अंकों की संख्या, संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पे, ठीक है, प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो, ये चीज कह रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स ऐसे मान के साथ सॉल्व करते हैं। अगर जो ऐसे मान के सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 5 मिनट में सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आंसर आते हैं मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कह रहा है ना कि देखिए यहां पे पढ़िएगा ध्यान से, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, और लास्ट में जो कह रहे हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या आपको बताना है, और एक चीज और दिया है कंडीशन यहां पे, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो। अब बताइए यहां पे जो 38 है किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 8 का अंतर क्या होगा दोस्तों, 3 और 8 का अंतर क्या होगा, 3 और 8 का अंतर क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को घटाना, 8 में से 3 घटाएंगे क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 नहीं हो रहा है, और ये ऑप्शन क्या होगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब दूसरा देखेंगे, यहां पे 73 है, 73 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 7 और 3, 7 और 3 का दोस्तों अंतर क्या होगा, देखिएगा 7 और 3 का अंतर क्या होगा, 7 में से 3 को घटाइए, अंतर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, यहां का, यहां पे अंतर हो जाएगा 4, अंतर 4 होगा ना, यहां पे ये वाला लास्ट वाला जो कंडीशन है ये फॉलो कर रहा है। अब देखिएगा जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि यहां पे समझिएगा, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग, यानी ये जो दोस्तों 73 है
और फिर यहाँ पे कह रहे हैं ना कि एक संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, अंकों को परस्पर बदल देंगे यानी 73 को अंकों को बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 73 7 और 3 से मिलके बना है, इसको क्या करना है, बदल देना है, इसको कर देना है 3 और 7 कर देना है। समझ रहे हैं ना, परस्पर बदलने का मतलब क्या होता है, संख्या का अंकों को परस्पर बदलने, यानी जो पहला संख्या है उसको हम दूसरे पे कर देंगे, जो दूसरा है उसको हम पहले पे कर देंगे, यानी 73 को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे लिख देंगे। अब इसका योग कह रहा है दोस्तों 110 होना चाहिए, क्या दोस्तों 73 और 37 का योग 110 होगा, जोड़िए 7 3 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, क्या होगा 11 हो जाएगा ना, जोड़ने पर दोस्तों ये क्या आ रहा है 110 आ रहा है। और यहाँ पे भी कहा है कि क्या कह रहा है, अंकों की देखिएगा, दो अंकों की संख्या उन संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, और यह भी लिखा है जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है, तो यानी 73 के जो है उसके अंकों का अंतर क्या है दोस्तों 4 है, और जोड़ने पे क्या हो रहा है दोस्तों यहां पे 110 हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सेकंडों का क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है, आपको समझाने में दोस्तों इतना टाइम लगा है, जब आप पेपर में देखेंगे तुरंत आपको आंसर दिखेगा, कैसे दिखेगा यह भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप देखेंगे दोस्तों 3 और 8 का अंतर क्या होगा 5 होगा, यानी तुरंत ऑप्शन गलत। यहां पे देखेंगे 7 और 3 का अंतर क्या होगा 4 होगा, क्लियर है। अब यह 73 है, 73 के अंकों को बदल देंगे, यानी ये 73 है, 73 का क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा, 3 और 7 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 110 होगा, यानी यहां पे 110 योग कह रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बस इतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आज का दोस्तों प्रश्न है, इसका आंसर क्या करना है सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है वो पार्ट नंबर 36 देख लेंगे। पार्ट नंबर 36 का ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, और पार्ट नंबर 36 में इसको फुल डिटेल में मैं समझाऊं दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 36 आपको मिलेगा कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों यहां पे आई बटन पे दे दिया हूं, यहां आई बटन पे दोस्तों डायरेक्ट क्लिक करके पार्ट नंबर 36 डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इसी बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसी बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, और जो नए दोस्तों होंगे दोस्तों नीचे रेड कलर का स्टेप सब्सक्राइब लिखा होगा, यहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा, जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।